हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं बिस में पहली बार। दोस्तों, इस टॉपिक से जनवरी से अगस्त 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। ये वीडियो आपके आने वाले समय में होने वाली परीक्षाओं के लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित होगा। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं, वे किस देश के हैं? आंसर है इसका इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, जेम्स एंडरसन ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं और टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले ये चौथे गेंदबाज कहे जाएंगे और यदि हम इन्हें कहें कि टेस्ट क्रिकेट में तेज गेंदबाज तो पहले, याद रखिएगा, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले चौथे और टेस्ट क्रिकेट में तेज गेंदबाज की हैसियत से, तेज गेंदबाज की हैसियत से ये पहले गेंदबाज कहलाएंगे। इनसे पहले तीन हैं जिनके नाम हैं मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉन, अनिल कुंबले, लेकिन ये तीनों ही स्पिनर हैं, लेकिन जेम्स एंडरसन ये तेज गेंदबाज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? आंसर है इसका ड्वेन ब्रावो, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं ड्वेन ब्रावो और 500 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। यह उपलब्धि इन्होंने CPL मैच के दौरान हासिल की। CPL इसका फुल फॉर्म है कैरिबियन प्रीमियम लीग। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, CPL में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है प्रवीण तांबे। रॉबिना एसटी दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी हैं, वे किस देश की हैं? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, और इसका सही आंसर है अमेरिका, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये 99 वर्ष की हैं। कितने वर्ष की? 99 वर्ष की, और ये कहां की हैं? अमेरिका की। टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपियन डेटा सेंटर कहां खोलने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, टिकटॉक ने आयरलैंड में अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर खोलने की घोषणा की है। कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर यानी कि पंजीकृत करने वाला पहला देश कौन बना? सही आंसर है इसका रूस। तो याद रखिएगा, रूस ने कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर यानी कि पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। दोस्तों, रूस ने स्पुतनिक V, ध्यान से सुनिएगा, रूस ने स्पुतनिक V नाम की एक कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर किया है, यानी कि पंजीकृत, और ऐसा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बना है। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहां कर रहा है? आंसर है इसका मणिपुर, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है मणिपुर में। याद रखिएगा, इसके बन जाने के बाद यानी कंप्लीट होने के बाद इसकी ऊंचाई होगी 141 मीटर। कितनी? 141 मीटर, 141 मीटर। दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहां खोला गया है? आंसर है इसका वियतनाम, यानी कि ऑप्शन ए। वियतनाम की कैपिटल हनोई में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। इसमें सारी कटलरी, क्रॉकरी, कप गोल्ड का है, यहां तक कि इसकी बिल्डिंग पर लगभग 1 टन से ज्यादा सोना लगाया गया है। कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना?
सही आंसर है इसका रूस, यानी कि ऑप्शन डी। रूस कोविड 19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और ऐसा दावा किया है रूस ने। किसे पहले गुलेनवेकियन मानवता पुरस्कार के लिए चुना गया? सही आंसर है इसका ग्रेटा थुनबर्ग, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ग्रेटा थुनबर्ग, ये स्वीडन की हैं और ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? आंसर है इसका अबू धाबी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसकी कुल क्षमता 2 गीगावाट होगी। कहां भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा? सही आंसर है इसका अमेरिका, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इसे अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? सही आंसर है इसका कैथी सुलीवन, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे है चैलेंजर डीप, यहां तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है कैथी सुलीवन। दोस्तों कैथी सुलीवन अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी थीं। नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया? राइट आंसर है इसका कैथी ल्यूडर्स, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा नासा इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। कोविड 19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा कौन बनी? राइट आंसर है इसका बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है और इसे दर्शकों के बगैर ही खेला गया, जबकि इस स्टेडियम में 80,000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता है। बुंदेसलीगा इसका अर्थ है फेडरल लीग, यानी कि संघीय लीग। यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना? राइट आंसर है इसका स्लोवेनिया, यानी कि ऑप्शन डी। स्लोवेनिया कोविड 19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बना है। स्लोवेनिया इसकी राजधानी है जुब्लजान। कोरोना वायरस के कारण किस टेनिस टूर्नामेंट को पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रद्द किया गया? सही आंसर है इसका विंबलडन ओपन, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा कोरोना महामारी के कारण इतिहास में पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विंबलडन ओपन को रद्द किया गया। दोस्तों सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन ओपन और इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? सही आंसर है इसका किरण पोलार्ड, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये वेस्ट इंडीज के हैं। कहां के? वेस्ट इंडीज के। सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? आंसर है इसका फिलीपींस, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ऐसा कोरोना वायरस महामारी के चलते किया गया। दुनिया की पहली उड़ने वाली कार PALV लिबर्टी का निर्माण कहां होगा? सही आंसर है इसका गुजरात, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इस कार का पूरा नाम है पर्सनल एयर एंड लैंड व्हीकल। इस कार को डच कंपनी द्वारा बनाया जाएगा। विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन कौन बना? इसका सही आंसर है न्यू, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा डार्क स्काई नेशन इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों एक ऐसा स्थान जो रात के समय वातावरण को स्वाभाविक रूप से अंधेरा रखता है, यानी कि पूरी तरह से डार्क। न्यू की बात करते हैं, न्यू दक्षिण प्रशांत महासागर में एक छोटा सा डार्क स्काई द्वीप है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन बना? राइट आंसर है इसका लग्जमबर्ग, यानी कि ऑप्शन ए।
दुनिया का पहला देश कौन है जिसने सैनिटरी उत्पादों को सभी महिलाओं के लिए मुफ्त किया? सही आंसर है इसका स्कॉटलैंड, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ऐसा करने वाला स्कॉटलैंड विश्व का पहला राष्ट्र बना। दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश की सेना ने विकसित किया? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर है भारत, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इसे भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा द्वारा बनाया गया। ये हेलमेट 10 मीटर की दूरी से चलाई गई AK-47 की बुलेट को भी भेद सकता है। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने? आंसर है इसका रॉस टेलर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर हैं रॉस टेलर, और ये वनडे, T20 और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में 100-100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने। अटलांटिक महासागर तैरकर पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन बनी? राइट आंसर है इसका ओब्रायन, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, बधिर इसका अर्थ है जो व्यक्ति सुन नहीं पाते हैं। ओब्रायन 60 वर्ष की हैं और इन्होंने 3000 मील की दूरी तय की है। रीफ टॉक्सिन सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना? सही आंसर है इसका पलाऊ, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये क्रीम समुद्री जीवों के लिए जहर समान है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया? राइट आंसर है इसका चीन, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, आधा किलोमीटर के व्यास वाले दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया है चीन ने। इसके द्वारा लगभग 30 फुटबॉल मैदानों के जितना क्षेत्र को देखा जा सकता है। कोरोना वायरस का पहला मामला किस देश में दर्ज किया गया? सही आंसर है इसका चीन, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।